केमिस्ट्री नाइन्थ का एनसीईआरटी से तुम लोग को पहला चैप्टर अभी चल ही रहा है, समझाने के क्रम में समय लगता है, इसीलिए वो भी पार्ट ढंग से समझ जाओ तो हमेशा के लिए दिमाग में प्रिंट हो जाएगा, तो टाइम लगेगा ही, तेज गति से कंसेप्ट नहीं मिलेगा। चलो, कौन पूछा था जो अंतरा अनुक आकर्षण बल और अंतरा अनुक स्थान? देखो सुनो, इसी को सुनो ना, जैसे अंतर अनुक स्थान को ही, इस शब्द को ये भी लिख सकते हो अंतर आणविक, अंतर आणविक स्थान। जैसे वायु को पवन लिख देने से कोई अंतर नहीं पड़ता है, नहीं ना पड़ता है, तो अंतर अनुक स्थान, इंटर मोलिकुलर स्पेस, स्पेस का मतलब होता है स्थान, होता है ना, तो अंतर आणविक स्थान यानी अणुओं के बीच। देखो अभी अणु नहीं बतलाए हैं, अगले वाला चैप्टर में बतलाएंगे अणु और परमाणु क्या होता है, एटम मोलिकूल, ये सब सूक्ष्म कण है। जैसे अंतर अनुक के लिए इस शब्द का भी प्रयोग करेंगे, अंतर अनुक यानी अणुओं के बीच में जो स्थान रहता है ना, अंतर मतलब अंदर होता है, मतलब फिलहाल अणु का मतलब ये समझ लो, जैसे अणु, देखो अभी कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा, अणु परमाणु बतलाने के लिए तुमको तत्व यौगिक समझना होगा, इतना समझ लो ना, ये ऐसा सूक्ष्म कण है, परमाणु जो है एक प्रकार का सूक्ष्म कण है, सुनो ध्यान से, परमाणु से छोटा कण दुनिया में होता ही नहीं है, ब्रह्मांड में, मतलब परमाणु सबसे छोटा कण होता है, समझ गया, इसको दो या दो से अधिक भागों में बांट ही नहीं सकते हो, अगले चैप्टर में ये सब दिया हुआ है बतलाएंगे, फिलहाल इतना ही जान लो, किसी बड़े कण को अगर हमको पत्थर मिल जाए, हम लोगों को 10 किलोग्राम का, तो 10 किलोग्राम का पत्थर होगा ना इतना बड़ा जी, तो ये भी एक कण है, पार्टिकल है, लेकिन कैसा कण है, बहुत बड़ा कण है, जिसको हम लोग दूर से भी देख सकते हैं, फिर इसी 10 किलोग्राम पत्थर को पीस दो मशीन में गेहूं के आटा के तरह, तो ये किस तरह के कण में बदल जाएंगे, पहले तो पत्थर का एक बड़ा कण था जिसका द्रव्यमान कितना था, 10 किलोग्राम, अब इसको पीसेंगे तो कल्पना करो कितने खरब कण होंगे, गेहूं का एक दाना लो छोटा सा, तो अभी ये गेहूं का बड़ा कण है, इस गेहूं के एक दाने को अगर हम पीस देंगे, आटा बनाएंगे, तो एक गेहूं के दाने को पीसने पर जो गेहूं का कण होगा उसको गिन सकते हो, मुश्किल है, कल्पना करो इस गेहूं के कण में से एक कण निकाल लो, एक गेहूं के आटा को पीस देने पर जितना छोटा छोटा कण होगा, अगर सब कण को अलग किया जाए तो 5 मीटर की दूरी से नहीं देख पाओगे, एक गेहूं के दाना को 10-15 मीटर दूरी से देख सकते हो, है ना ऐसी बात, लेकिन नज़दीक आओगे मतलब 10-15 मीटर दूरी से आगे जाओगे, दूरी बढ़ती जाएगी तो छोटा सा गेहूं का दाना नहीं दिखलाई देगा, सो सब मालूम है, तारा को जो हम लोग रात में देखते हैं तो गोली गोली बचपन में नहीं, शीशे की गोली खेलता है, तो इतना ही बड़ा बड़ा बुझाई देता है, दिखाई देता है ना, पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा सूर्य है, सूर्य भी एक तारा है, ज्योग्राफी में बतलाएंगे, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, तब तो देखने में सूर्य कैसा लगता है, जिस प्लेट में, वृत्ताकार प्लेट में हम लोग खाते हैं उतना ही बड़ा प्लेट जैसा लगता है, लेकिन पृथ्वी से संभवतः 8 लाख गुना बड़ा है ये सूर्य, यानी 8 लाख पृथ्वी को जोड़ोगे तब एक सूर्य का निर्माण होगा, कितना बड़ा है, अब पृथ्वी पर से देखो तो कितना बड़ा लगता है, एक प्लेट जैसा, वृत्ताकार प्लेट जैसा लगता है, तो दूरी बढ़ने पर वस्तु हमें छोटी दिखलाई देने लगती है, आसमान में बहुत ऊंचाई पर हवाई जहाज जब उड़ता रहता है तो नीचे से देखो ऐसे लगता है जो मुट्ठी में इसको पकड़ लेंगे,
और ज्यों ज्यों नीचे आएगा एयरपोर्ट पर उतरेगा तो पता चलेगा तुम्हारे हमारे जैसा 1000 आदमी को जोड़ देंगे तब हवाई जहाज इतना बड़ा आकृति बनेगा, ऐसा लगता है ना। तो कहने का अर्थ ये, किसी भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ, शुरू में ही पढ़ा दिए हैं, जितना भी पदार्थ है ब्रह्मांड में सब कणों के बने होते हैं, है ना इसी बात। तो अणु और परमाणु किसे कहते हैं, जैसे परमाणु से छोटा कोई कण ही नहीं होता है, किसी भी सूरत में परमाणु को, यानी एटम होता है इसका इंग्लिश, एटम को हम दो या दो से अधिक पार्ट में बांट ही नहीं सकते हैं, इतना सूक्ष्म कण होता है, इतना छोटा सूक्ष्म कण होता है। और दो या दो से अधिक परमाणु को जोड़ देंगे, मान करके चलो एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये है, तो कम से कम दो परमाणु को जोड़ देंगे तब एक अणु का निर्माण होगा। 35 भाग में टूटा है। अरे परमाणु ये जैसे कहोगे, सबसे छोटा बच्चा कौन होता है, आदमी बड़ा होता है जवान होने पर, आदमी का सबसे छोटा रूप कब होता है बोलो, जब जन्म लेता है तब, मतलब अभी जन्म लिया है एक मिनट हुआ, क्या उससे भी छोटा आदमी हो सकता है, आंसर है नहीं। तब कहोगे इससे छोटा उसका हाथ है, तो ये तो बच्चा का हाथ है, नवजात शिशु का मूरी है, गर्दन है, तो परमाणु कहते हैं किसको, तो परमाणु का निर्माण ही होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन सबों से निर्माण होता है, ये तो इसके अंग है, इसलिए परमाणु को पुनः विखंडित नहीं किया जा सकता है, दो या दो से भागों में, दो या दो से अधिक भागों में नहीं बांटा जा सकता है। तो फिलहाल परमाणु का कंसेप्ट थोड़ा बहुत आया होगा। परमाणु एक ऐसा सूक्ष्म कण है जिसे हम लोग दो या दो से अधिक भागों में बांट ही नहीं सकते हैं, समझा। और बाद में बतलाएंगे यही रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है। तो परमाणु सबसे छोटा कण है, उससे बड़ा कण कौन सा, अणु, एटम, एटम हो गया परमाणु, मोलिक्यूल होता है अणु का अंग्रेजी। तो ये जो तुम लोग पढ़ रहे हो अणु, अणु के बारे में पढ़ रहे हो, ये एक प्रकार का सूक्ष्म कण है। तो कोई भी पदार्थ तुमको, जैसे मान लो ये लोहे का छड़ है, तो लोहे का छड़ हो, सोने का छड़ हो, या किसी धातु का छड़ हो, ये तो खरबों खरब सूक्ष्म कणों से बना है, जिसे हम परमाणु कहेंगे, इससे छोटा कण नहीं होता है। तो दो या दो से अधिक परमाणुओं को जोड़ने पर अणु का निर्माण होता है। तो अंतरा अणुक आकर्षण बल, अंतरा मतलब अंदर, इंटर, इंटर मतलब अंदर, अंदर वाला, अंतरा अणुक आकर्षण बल, तो अंतरा अणुक आकर्षण बल को हो, या अंतर आणविक आकर्षण बल को हो। अब सब जो है ये कणों के जो बने होते हैं, तो सब एक दूसरे के चारों ओर आकर्षण बल लगाता है, जैसे समझ गया। कंफ्यूजन कहाँ था अभी तूने जो पूछा था, अणुक में और अंतर आकर्षण में क्या है, जैसे अब यहाँ पे अंतर अणुक बोल रहे हैं, अंतर आणविक है, हाँ हाँ, अंतरा अणुक यानी अणु सब जो है एक दूसरे के चारों ओर, इसके अंदर में सब कणों के बीच में, यानी अंदर में हुआ एक फोर्स काम करता है, सब अणु एक दूसरे को आकर्षित करता है, इन्हें या जो एक अणु दूसरे को आकर्षित करेगा, दूसरे पहले को। अब इस मार्कर के चारों ओर मार्कर है, तो ये मार्कर सभी मार्कर पर, अपने बगल के मार्कर पर फोर्स लगाएगा, बस अपने बगल, हाँ। जैसे इसको फिर ये देखो, ये जो है इसको अपनी ओर खींचेगा, इसको अपनी ओर, सबको अपनी ओर खींचेगा, इसके ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, होगा ना, फिर ये इसको खींचेगा तो ये भी इसको खींचेगा, सब एक दूसरे पर बल लगाएगा, जिसके कारण ये संतुलित रहता है, अपने अपने स्थान पर बना रहता है। अंतर यानी किस, अंतर का मतलब अंदर, तो ये किसी पदार्थ के अंदर में जितने भी कण होते हैं, अणु होते हैं, तो अंदर में ही, ये लोहा है तो इसके अंदर में ही ना सब खरबों खरब कण हैं, तो अंदर में जो बल लग रहा है कणों के बीच, तो इसी को कहते हैं अंतरा अणु आकर्षण बल। अट्रैक्शन अणु के बीच होता है, परमाणु,
तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और अंतरानुक दोनों एक हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ इतना का अर्थ समझो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षित करने वाला बल, अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना होता है ना, अट्रैक्ट से बना है अट्रैक्शन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आकर्षण का बल यानी आकर्षण बल। कैसा आकर्षण बल? तो इंटरमोलिकुलर, जो मोलिकुल के बीच में काम करता है आकर्षण यानी आकर्षित करने वाला बल। स्पष्ट है? हम पूछ रहे हैं कुछ, क्या बोलो? जैसे अंतर आकर्षण बल और अंतरानुक आकर्षण बल, हाँ, अंतर आकर्षण बल बोलो तो किसके बीच लग रहा है? अणु सब के बीच लग रहा है ना, तो अंतर आकर्षण बल का प्रयोग करोगे तो अणु का अलग से, अणुओं के बीच लगने वाला अंतरा आकर्षण बल बोलो या अंतर आकर्षण बल बोलो, इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर का अर्थ हो गया अंतरा अणु, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आकर्षण बल। और अंतर आणविक स्थान और अंतरा अणुक स्थान दोनों एक है? हाँ, एक के है, दोनों का काम तो एक है। हाँ, दोनों एक ही शब्द है, अंतर अणु यानी अणुओं के बीच के बीच में जो खाली स्थान होता है सूक्ष्म कणों के, अंतर यानी अंदर, किसके अंदर? तो ये अणुओं का बना है, सूक्ष्म कणों का, तो सूक्ष्म कणों के अंदर में एक दूसरे के बीच में जो जगह होता है तो अंतरा अणुक कहो या अंतर आणविक स्थान कहो या अंतरा अणुक स्थान कहो। अणुकण तो एक ही होते हैं। और कोई कन्फ्यूजन है? क्लियर हुआ कन्फ्यूजन? तो तुम लोगों को इस क्वेश्चन में जो है देखो क्या क्या बतला दिए हैं, पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया है अबाउ कंप्रेसिबिलिटी। ठोस का एक गुण होता है, क्या गुण होता है? तो कुछ कोई भी ठोस पदार्थ है, जैसे ये मार्कर ठोस है ना, इस पर दाब पैदा करो तो दाबेंगे इसको यानी प्रेशर लगाएंगे, तो प्रेशर लगाने पर क्या होगा? तो प्रेशर लगाने पर होगा क्या, ठोस पदार्थ इनकम्प्रेसिबल होते हैं, असंपीड्य। इसका अर्थ हुआ ठोस पदार्थ पर अगर हम लोग फोर्स लगाएंगे, दबाएंगे, तो ये नहीं दबेगा। दबना को, हाँ, दबना को कंप्रेस करो यानी उस पर दोनों ओर से बल लगाओ। अब मान लो कंप्रेस करना है, इसमें पानी है ना, तो इसको हम लोग कंप्रेस किए तो ये तो द्रव है, तो दब जाएगा अब फिर अपने मूल रूप में आ जाएगा। तो हाँ नहीं, देखो इसमें पानी है और ये लचीला है, प्लास्टिक का है ना जी, तो ये लचीला है। तो ठोस पदार्थ का एक गुण यह होता है, इसको हम लोग दबाएंगे तो ये अगर दबेगा तो दाब हटा लेने पर अपने मूल रूप में आ जाएगा, यानी उसके आयतन और आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा ठोस पदार्थ में। ऐसा क्यों होता है? तो उसके अणुओं के बीच में न्यूनतम यानी सूक्ष्म कणों के बीच में, जैसे ये ठोस पदार्थ है तो एक दूसरे के बीच में दूरी जो होती है सबसे कम होती है, तो इसको हम लोग कितना भी दबाएंगे तो ये इसलिए नहीं दबेगा, जो दो कणों के बीच का खाली स्थान बहुत कम होता है जिसे और कम नहीं किया जा सकता है, समझा? यानी अगर इसको ऐसे समझो, अभी बच्चा वाला उदाहरण दिए तो सबसे छोटा बच्चा कौन सा होता है, सबसे छोटा आदमी बोलो, बूढ़ा नहीं, जवान आदमी नहीं, अभी अभी जो पैदा लिया है जिसको हम लोग नवजात शिशु कहते हैं, इससे भी छोटा होगा कोई आदमी नहीं होता है। तो कणों के बीच में जो दूरी होती है ठोस पदार्थ में, यह दूरी इतनी कम होती है इस पर हम लोग ठोस पदार्थ पर प्रेशर जो पैदा करेंगे तो ये दूरी और नहीं कम होगी, ऑलरेडी इतनी कम दूरी होती है, इतना कम स्थान होता है। इसको दो ही चित्र से समझो, ये ऐसे होता है, कण गोला होता है ना, देखो ये हो गया
इंटरमोलिकुलर स्पेस, तो ये स्पेस इतना कम है। अब कल्पना करो, चार ही सूक्ष्म कण से ये पदार्थ बना है, इसको दबाओगे तो दबेगा, ये गैप है जरूर, लेकिन दबेगा। दाब लगाने का मतलब हुआ इसको ऐसे नहीं ना करेंगे, दाबेंगे, प्रेशर लगाएंगे इस पर। तू प्रेस चार गेंद को सटा दो, गोली को, शीशे वाला गोली नहीं होता है, बच्चा सब जो खेलता है, चार गोली को सटा करके एकदम प्रेशर लगाओ तो ये इसके बीच में तो न्यूनतम स्थान है, जिससे कम स्थान और हो ही नहीं सकता है, न्यूनतम खाली जगह है। तो इसीलिए ठोस पदार्थ पर बल लगाने पर, प्रेशर लगाने पर इसके आयतन में और आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कारण समझा? यानी ठोस पदार्थ असंपीड्य, इनकम्प्रेसेबल, यानी जिसको हम लोग कंप्रेस भी करें तो कंप्रेस करने का अर्थ हुआ चारों ओर से फोर्स लगाओ, या कम से कम दो ओर से फोर्स लगाओ तो ये दबेगा नहीं। हाँ, नहीं होते हैं, यही है असंपीड्य, यानी नहीं होते हैं संपीड्य, कंप्रेसेबल नहीं होता है, यानी इस पर हम लोग दाब पैदा करेंगे, लगाएंगे तो ये दबेगा नहीं, यानी इनकम्प्रेसेबल, यानी जिस पर दाब लगाएंगे लेकिन ये दबेगा नहीं। दब गया तब तो आयतन उसका घटेगा। फिर उदाहरण लो, पाव रोटी खाया है ना सब, पाव रोटी भी ठोस पदार्थ है, इसको हम लोग दबाते हैं तो दब जाता है, छोड़ देते हैं तो अपने मूल रूप में आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो पाव रोटी के कणों के बीच में वायु भरा रहता है, हवा, इसको हम लोग दबाते हैं तो ये हवा बाहर निकल जाती है, पाव रोटी से बाहर, और फिर छोड़ देते हैं तो पाव रोटी के सतह पर सूक्ष्म छिद्र होता है, दबाएंगे तो सूक्ष्म छिद्र होकर के बहुत हवा निकल जाती है, पिचक जाता है। फिर प्रेशर को हटाओ, हटाओगे तो सतह पर जो पाव रोटी का जो सतह होता है उससे होकर के ये वायु का कण फिर घुस जाता है खाली स्थान में और अपने मूल रूप में आ जाता है। समझ गया? तो ठोस पदार्थ इनकम्प्रेसिबल होता है, इसका हम कारण लिख देते हैं, ठीक है। तुम लोग को जो अभी बतलाए हैं इसको हम लिख दिए हैं, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, यानी असंपीड्य होते हैं, दबाए जाने पर उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है प्रेशर लगाने पर। कारण ठोस पदार्थों पर दाब बढ़ाकर या घटाकर, दाबेंगे तो दाब बढ़ेगा, घटाएंगे कैसे तो धीरे धीरे छोड़ देंगे तो अपने मूल रूप में आ जाएगा। अगर दबेगा तो, जैसे पाव रोटी का उदाहरण दिए, ठोस पदार्थों पर दाब बढ़ाकर या घटाकर उनके आयतन को बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि ठोस पदार्थों में अंतराणुक स्थान इतना कम होता है कि उसे और अधिक कम नहीं किया जा सकता है, अतः ठोस पदार्थ के कणों को और अधिक निकट नहीं लाया जा सकता है। अपवाद में स्पंजी पदार्थ, ये अपवाद है, उस पर प्रेशर लगाएंगे तो दब जाएगा, उसके भीतर का वायु निकल जाता है, प्रेशर हटाएंगे तो बाहर से वायु उसके कणों के बीच में पुनः प्रवेश करके उसको पूर्व रूप में ला देता है। रीजन द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कैन नॉट बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर बिकॉज द इंटरमोलिकुलर स्पेस इन सॉलिड्स इज सो स्मॉल दैट इट कैन नॉट बी फर्दर वर्कड आउट, सो द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स कैन बी केप्ट क्लोजर टूगेदर कैन नॉट बी ब्रॉट। तो हमको लगता है तू लोग इस पॉइंट को समझ गया होगा। अब देखो, इस पार्ट में एक पॉइंट और पढ़ना है, बहाव। देखो अगला पॉइंट है बहाव, यानी फ्लो। बहाव का अर्थ होता है बहने का लक्षण, बहने की प्रवृत्ति। जैसे पानी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बढ़ता है ना जी, उच्च तल से निम्न तल की ओर जाता है, इसको कहते हैं पानी का बहना। यानी बहाव का अर्थ हुआ कहीं पर रख दो तो ये पानी जैसा बहने लगेगा। तो ठोस पदार्थ का ये लक्षण नहीं होता है, ठोस पदार्थ में बहने की प्रवृत्ति यानी बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है। इससे भी तू लोग ठोस, द्रव और गैस की पहचान कर सकते हो।
कौन सा पदार्थ ठोस है, कौन सा द्रव है, कौन सा गैस है। ठोस पदार्थ को बहते हुए पत्थर का रख दो तो यहाँ पर 50 पत्थर रख दो तो कैसे बहता है, तुम्हारे यहाँ बहता है। तू लोग समझ रहे हो, ये कलासी नहीं करता है तू क्या समझेगा, ध्यान नहीं देता है। ठोस पदार्थ कौन सा प्लेट, अरे स्टील के प्लेट को पानी में बहते हुए पानी में दोगे तब न बहेगा। सिर्फ ठोस पदार्थ की चर्चा हो रही है। प्लेट को तू किसी समतल या बेंच पर रख दो या सतह पर रखो तो कैसे उबहने लगता है, बहेगा जी कभी है। आखिर ठोस पदार्थ क्यों नहीं बहता है, द्रव क्यों बहता है, इसका कारण ये है, ठोस पदार्थ के कणों के बीच लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी अंतर आणविक बल, आकर्षण बल जो होता है इतना मजबूत होता है जो इसके कण एक दूसरे के ऊपर से होकर के नहीं आगे बढ़ सकता है। बहाव का मतलब बहना होता है, जैसे करवा तेल लो, सरसों का तेल गिरा देंगे, हाँ यहाँ पर तू बेंचे पर गिराओ या नीचे में गिराओ तो ये बहने लगता है। मान लो ये मार्कर है, इसको नीचे में गिराओ तो कैसे बह करके एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, नहीं ना जाएगा। तो क्यों नहीं बहता है, इसलिए नहीं बहता है क्योंकि ठोस कणों के बीच लगने वाला अंतर आकर्षण बल इतना मजबूत होता है जो इसके कण एक दूसरे को अलग ही नहीं होने देता है। द्रव में क्या होता है, अंतराकर्षण बल कमजोर होता है तो जिसके कारण इसको जहीं पर गिराओगे ना वहीं पर बहने लगेगा। अंतराकर्षण बल कमजोर होने के कारण इसके कण एक दूसरे को ऊपर से भागने लगता है, आगे की ओर बढ़ने लगता है, जबकि ठोस में ऐसी बात नहीं होती है क्योंकि ठोस के कण इतने मजबूत आकर्षण बल से एक दूसरे को आकर्षित करता है तो इसके कण एक दूसरे के ऊपर से स्लिप नहीं कर सकता है, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता है, इसलिए ठोस में बहने की प्रवृत्ति नहीं होती है। समझ गया कारण, तो इसको हम लिख देते हैं, ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है कारण ठोस पदार्थ के कण बहुत ही मजबूती से एक दूसरे से अंतर आणविक आकर्षण बल से बंधे होते हैं जिसके कारण ठोस पदार्थ के कण एक दूसरे से अलग नहीं हो पाता है और इसमें बहने की प्रवृत्ति नहीं होती है। तो ये तो लोग उतार लो, अब ये भी पॉइंट हो गया पॉइंट नंबर 6। अब एक पार्ट में ये तीनों पॉइंट खत्म हो जाएगा, इसके बाद द्रव के सामान्य गुणों का वर्णन करें।